हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रिनो सॉल्यूशन देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 पॉइंट वन इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जोमेट्री ठीक है पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो हमारे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है यू हैव टू स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स ये बताना और उनका रीज़न देना है ठीक है तो पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट सपोज यू हैव अ पॉइंट लाइक दिस ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है ये कह रहे हैं कि एक लाइन पास होगी इससे ठीक है ये एक लाइन पास हो गई देखो एक और लाइन पास हो सकती है कि नहीं एक और पास हो सकती है ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ लाइन्स कैन पास थ्रू दिस है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट ठीक है एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो पास हो सकती हैं ठीक है थीके? सेकेंड पार्ट है देयर आर आर इन्फीनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू पॉइंट्स सपोज यू हैव गॉट टू पॉइंट्स ये एक ए है एक बी है ये कह रहे हैं कि इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होंगी ठीक तो देखो इसके अलावा मैं नई कोई कोई भी लाइन नहीं बना सकती जो दोनों से पास हो जाए ठीक है तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉल्स क्यों है क्योंकि ओनली वन लाइन ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंग पॉइंट्स किसी भी दो पॉइंट से खाली एक ही लाइन लाइन जो है वो पास हो सकती है ठीक है थर्ड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूज इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है बेटा देखो बच्चों टर्मिनेटेड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट ठीक है अब लाइन सेगमेंट क्या होती है लाइन सेगमेंट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ लाइन ये तुम्हारे पास एक लाइन है पूरी मैं अगर इसको बीच में से कोई भी एक टुकड़ा उठा लेती हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट ठीक है ये क्या चीज़ है ए बी दिस इज अ लाइन सेगमेंट ठीक है लाइन सेगमेंट के बेटा दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इन डेफिनेटली ऑन बोथ द साइड तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है ठीक है लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ जो है वो कर सकते हैं ठीक है क्लियर है अब देखो बेटा फोर्थ में इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देंदे आर रेडिया आर इक्वल मतलब क्या है कि दो देखो सर्कल है बिल्कुल इक्वल है ठीक है दोनों आपस आप में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं ठीक है थीके? बराबर है तो ये कह रहा है कि उनके जो रेडियस होंगे वो भी सेम होंगे तो हाँ बेटा हर कॉन्ग्रेन चीज़ का इफ टू सर्कल्स आर कांग्रेन तो उनका रेडियस भी सेम होता है ठीक है दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा ट्रू है ठीक है अब अगला है तुम्हारे पास ये कह रहे हैं ये जो फिगर है ठीक है इसमें ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ठीक और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई तो स्टेट दैट ए बी ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है ठीक है देखो बेटा क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट है ये दोनों चीज़ें इसकी इक्वल हैं ठीक है ठीके? तो ये दिस तो ये आपस में भी इक्वल होंगे तो दिस इज योर एग्जियम वन ठीक है एग्जियम वन यूक्लिड का क्या कहता है फर्स्ट एग्जियम कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग दन दे आर इक्वल टू ईच अदर कोई भी दो चीज़ एक के अगर इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल है ठीक है तो हैवी कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर वन नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू